दोस्तों, हमारी दुनिया अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जगहों से भरी हुई है, जिसे देखना या सुनना तो दूर, इनके बारे में आपने इससे पहले सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको भारत में स्थित एक ऐसी रहस्यमयी गुफा के बारे में बताएंगे जो सीधा नागलोक जाती है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक और जहां नागलोक की कथा सामने आती है, वहीं हिंदू धर्म में नागों का भगवान शिव से भी गहरा संबंध है। तो चलिए, आज हम आपको मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी के घने जंगलों के बीच स्थित एक ऐसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में मान्यता है कि यह रास्ता सीधा नागलोक जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते से होते हुए आप नागद्वार तक जा सकते हैं, लेकिन साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लोगों को इस जगह पर जाने की अनुमति होती है। इस रहस्यमय गुफा में दूर दूर से लोग नागद्वारी की यात्रा करने आते हैं और नागदेव के दर्शन करते हैं। नागद्वारी की यात्रा सावन के महीने में होती है, जिससे बारिश के दौरान ये रास्ता और खतरनाक हो जाता है। नागपंचमी में लगता है मेला। दोस्तों, हर साल नागपंचमी के दौरान इस जगह पर मेला लगता है। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग यहां आते हैं और नागद्वार के दर्शन करते हैं। इस जगह पर एक गुफा है जिसका नाम चिंतामणि गुफा है, जिसकी लंबाई लगभग 100 फीट के आसपास है। यहां नागदेव की कई मूर्तियां मौजूद हैं। लोग इस जगह आकर इन मूर्तियों की पूजा करते हैं। इन मूर्तियों के पास कई सारे सांप भी मौजूद होते हैं। नागपंचमी से 10 दिन पहले ही यहाँ मेला शुरू हो जाता है। सावन मास के दौरान होने वाले इस मेले में देश भर से श्रद्धालु, खासतौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भक्तों का आना प्रारंभ हो जाता है। कई किलोमीटर पैदल चलकर वो यहाँ पहुँचते हैं और नागदेव की पूजा करते हैं। जानकारी के मुताबिक नागद्वार मंदिर की धार्मिक यात्रा को 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, अगर वो इस जगह आकर नागदेव की पूजा करें तो ये दोष दूर हो जाता है। इसलिए काल सर्प दोष को खत्म करने के लिए लोग इस जगह जाकर नागदेवता की पूजा करते हैं। नागद्वार की यात्रा सावन के महीने में होती है और इस दौरान खूब बारिश होती है, जिसकी वजह से जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। इस यात्रा के दौरान लोगों को काफ़ी सांप भी मिलते हैं। हालांकि ये सांप लोगों को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते। इस जंगल में टाइगर रिजर्व भी है, जिसके चलते इसे साल में एक या दो दिन ही खोलने की अनुमति मिलती है। अगर आप भी नागलोक देखना चाहते हैं तो इस जगह जरूर जाएं। कहा जाता है कि नागलोक के पास ही स्वर्ग द्वार भी मौजूद है। पिछले साल इस यात्रा में करीब 4 लाख श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस बार आंकड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों, रोजाना ऐसी रहस्यमय ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल वर्ल्ड ज्ञान फॉर यू को सब्सक्राइब कर पास की बेल आइकन को ऑन पर सेट कर दें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो नई वीडियोज़ दिख रही होंगी। प्लीज़ एक बार इन वीडियोज़ को जरूर देखें।